झुंझुनू के शिक्षक भवन में शिक्षक संघ शेखावत की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिक्षा और शिक्षा की नीतियों को लेकर हुई चर्चा में मुख्य वक्ता के रूप में शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा मौजूद रहे। वहीं स्थानीय वक्ता के रूप में पूर्व उप जिला प्रमुख विद्याधर गिल ने अपना उद्बोधन दिया। कार्यशाला की अध्यक्षता संगठन के जिलाध्यक्ष दुर्गा राम मोगा ने किए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा के निजीकरण को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए संगठन आगाह रहे। साथ ही नए सत्र में नामांकन बढ़ाने के साथ साथ सरकारी स्कूलों में संसाधनों को बढ़ाने में भी शिक्षक वर्ग ध्यान दे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के 8 ब्लॉक हैं, उनमें 3-3 प्रतिनिधियों को अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष, उनकी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य है कि 3 वर्कर एक ब्लॉक में इस तरह के तैयार हों जो सरकार की नीतियों को समझ सके और उन नीतियों को समाज में कितना प्रभाव पड़ने वाला है और शिक्षा नीति को किस प्रकार से सरकार की सोच परिवर्तित करने की है।